नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। वही बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन ने बीडीए के घुसखोर जेई केड़ी चौधरी पर एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल उनके मूल विभाग पीडब्ल्यूडी में वापस भेज दिया है। वही साथ ही घुसखोर जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी किया गया है। देखिए, संबंधित जो अभियंता था वो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबद्ध था, जिसको हमने वापस उसके मूल विभाग में भेजते उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की संसद भी करती है। उसके निलंबन के लिए संबंधित उनके उच्च अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। वही अगली खबर जालौन से है, जहां जल्लाद पति की हैवानियत सामने आई है। दरअसल दहेज को लेकर पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि हैवान पति ने अपनी पत्नी को लोहे के तार से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया, जहाँ परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वही उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उमरार खेड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है। हमारे ऊपर जी हैं पीआईडी में, जिनके पापा मतलब दीदी के, उन्होंने हमें बताया था। तो किस वजह को लेके आए दिन मारा करते थे ये लोग? जी आए दिन पैसों को लेकर मारते थे। अच्छा। मांग करते थे पैसों, हर बार पैसों की मांग करते थे। एक दो बार मांगा तो पापा यानी हमारे ऊपर लोगों ने दिया है उनको, फिर मांगने लगे पैसे देंगे तो मना कर दिया जाएगा, तो मारा इन लोगों ने, तारों से मारा है, पूरी खाल उतनी बड़ी इधर की चेहरे की सफाई की। नाम है आपका? नाम शंकर। जिला अस्पताल आए हो, क्या है पूरा मामला? लड़की का मामला था सर। अच्छा, क्या मामला था? लड़की की ससुराल वालों ने पीटा। अच्छा, किस वजह से मारा है? जे दहेज की मांग कर रहे थे। अच्छा। तो देने के लिए लिखा था। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास नहीं, मैं अपनी आईडी में सजेस्ट करता हूँ, 1500 रुपये मिलता हूँ, मैं कहाँ से दे दूँ। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां ऑनर किलिंग के चलते युवती को मौत के घाट उतार कर दफना दिया गया। जी हां, मामला जब ज्यादा हाईलाइट हुआ तो पुलिस की सरगर्मी बढ़ी और डीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दिनांक 5/8/2023 को धामौर कस्बे से एक पिता पुत्र द्वारा अपनी बेटी को किसी बात पर लेकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए लिया गया। तो टिकावर गांव का यह वीडियो जानकारी में आया। पिता पुत्र द्वारा बच्ची को घर लाकर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात बगैर किसी को कोई सूचना दिए कब्रगाह में दफन कर दिया गया। इसका संज्ञान पीपरपुर पुलिस द्वारा लिया गया। पीपरपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा प्राप्त संख्या 123 पंजीकृत कर जिलाधिकारी महोदय से एक टीम गठित कराकर कब्रगाह से खुदवाकर पीएम कराया गया। अगली खबर झांसी से है, जहां 2 अगस्त को घर से पूजा करने निकली लापता हुई किशोरी 5 अगस्त को किला के मैदान के पास मिली है। जहां पूछताछ में उसने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अलग अलग स्थानों पर रखकर गैंगरेप किया गया। और हमें नशा पत्ती के बाद में होश मिला, जिले गोरसा ले गए, तो वहां से रूम पे ले आए, फिर रूम के बाद एरज भी ले गए सर, और यहां वहां घुमाते रहे हमें। और जो 8 से 9 लोग थे लड़के सर, और लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया। सर वो तो उस दिन एक लड़के ने बस स्टैंड छोड़ दिया था, तो उस दिन हम आ गए थे अपने घर। नहीं, हम सर किसी को नहीं जानते उसमें से। बिटिया हमारी दरगाह पे गई थी, 2 लड़के ले गए उसको उठा के, और क्या कहते गलत काम करा उसके संग। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। आप शिकायत की है पुलिस में? पुलिस में हमने दर्ज करी है, तो अभी तक कोई कार्रवाई चल रही है। अभी तक एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक 20 वर्ष का युवती है, जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र से गायब हो गई थी। परिवारजन द्वारा गुमशुदगी दर्ज भी कराई गई थी। जब वो घर वापस लौट गई थी तो उनको द्वारा अपना परिवार लोगों को बताया गया, जिस संबंध में थाना नवाबाद में 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मौलाना के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में आज जमियत उलेमा के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर मौलाना के साथ मारपीट करने वाले हिंदूवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है।
वही बता दें कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में ही घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक काजी जमीर उल्ला ने कहा है कि शहर में आग लग सकती है। वही बसपा नेता सलमान शाहिद ने कहा है कि हिंदूवादी शहर में माहौल खराब करना चाहते हैं। जी हाँ, हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मौलानाओं ने मांग की है। वही प्रशासन पर लगे लापरवाही बरतने की भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रसीद नहीं काट सकता, जबकि वहाँ 20 साल पहले से ही एक नव निर्माण कराया गया था सरकारी जमीन पे ही, वहाँ आज तक दुकान चल रही है, गिट्टी बजर फुट गई और मैं आया तो मेरे लिए मना कर दिया। ठाकुर के नाम से आए थे। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का क्या प्रकरण है? अवैध कब्जे का प्रकरण नहीं है, वो हमारी जमीन है, उसमें कोई आदमी अस्थायी रूप से रह रहा है, उसको हटवाया जा रहा है वहाँ से। सर, कब से वो जो है उसका अतिक्रमण था? अतिक्रमण काफ़ी समय से था, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, उस पर कार्रवाई की। आप एक मस्जिद में मौलाना नमाज पढ़ाता है, उसे हम मारते हैं और उसे जेल भेजते हैं, और यहाँ के एटीएम साहब ये कहते हैं कि वो जांच होगी, जांच से पहले भेज कैसे दिया आपने? ये नहीं चलेगा, अलीगढ़ में नहीं चलेगा। वीडियो वायरल करके उसका अपमान करके ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने, जिनको सत्ता का संरक्षण है, गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है। वही अगली खबर कासगंज सदर कोतवाली से है, जहां मथुरा बरेली हाईवे पर स्थित मामो गांव में एक होटल में देह व्यापार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। वही हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा काट रहे ग्रामीणों को पुलिस ने समझा बुझाकर किस तरह से शांत कराया और होटल की जांच पड़ताल में मिले 5 प्रेमी जोड़ों को पुलिस महिला थाना ले गई। तो बने जय जाने जय गेट हाउस वाले ने इन्हें मारपीट करी, फिर दूसरे देवर गए, सो बिना कुछ पट पा रहे 3-4 मारपीट करके, हम जी चाहते हैं जी जहाँ से बंद आया जाए, गांव की बहुत बुरी बदनामी है। लड़कियों की शादी के लिए जाता है तो जी कहता है कौन सा मामू, कभी ओए वारो मामू। इससे पहले भी ये ऐसे काम हो चुके हैं यहाँ पे क्या? हाँ हाँ, पहले भाई। इसके संचालन पर ग्रामीण जनों द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए वहाँ भीड़ लगा रखी गई थी। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर और उसके साथ ही कोतवाली कासगंज की टीम के द्वारा जाकर वहाँ जो ग्रामीण इकट्ठा है उनको समझाया बुझाया गया, शांत किया गया। उसके साथ ही वहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं, उपस्थित लोगों को ले आकर के पूछताछ की जा रही है। जो नवयुवक हैं उनको, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति सामान्य है, ग्रामीण पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां कई वर्षों से चल रहा विवाद न्यायालय के आदेश पर सुलट गया है। बबीना थाना परिसर की काफी जमीन थी जिसे लोग आम रस्ते की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने न्यायालय के मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद काफी समय से आम जनता और पुलिस के बीच कई बार तीखी नोकझोंक होती रही, लेकिन इसी बीच न्यायालय में जीत हासिल कर ली गई और जिसको लेकर आज सुबह भारी पुलिस बल पहुंच गया, जिसको लेकर आम जनता में सुगबुगाहट होती रही। उच्च अधिकारियों के आदेश आते ही जेसीबी चलाकर साफ सफाई की गई और भूमि का पूजन किया गया। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग महिला ने क्षेत्र में भूमाफिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान बुजुर्ग महिला के साथ मौजूद लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने भी उक्त भूमाफिया पर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। वही चकेरी थाना क्षेत्र के टटियन श्याम नगर में रहने वाली माया ने बताया कि उनके ससुर मेहताब सिंह यादव की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास भी मौजूद भी है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में ही रहने वाले दबंग भूमाफिया महताब सिंह ने नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है और उनकी कृषि योग्य भूमि, जो कि करोड़ों की कीमत में बताई जा रही है, उसे अपने नाम करवा लिया है। इसी मामले को लेकर आज कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास आई थी वही, और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। खाई जिनकी की 1989 में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उनका पोस्टमार्टम हुआ और उनकी मृत्यु 16/11/1989 को हो गई थी, लेकिन एक बता रहे हैं ये कि एक माफिया है कोई महताब सिंह, उन्होंने सन 1971 को उनके मृत्यु दिखा के एक और प्रमाण पत्र बनवा के इनकी सारी जमीन हड़प ली और करोड़ों की जमीन हड़प के उसको बेचा, सब यूज कर लिया फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर,
इनकी सास ये यहाँ पे है वो दर दर की ठोकरें खा रही, उसी संबंध में अभी हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे जिसमें तुरंत कार्रवाई का आदेश किया गया। वही अगली खबर कानपुर से है जहाँ बिजली आपूर्ति कंपनी में 1,68,00,000 रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। वही नगर क्राइम ब्रांच के द्वारा ये घोटाले का खुलासा किया गया है। घोटाला करने वाले छात्रों ने पेमेंट गेटवे के यूआरएल में बदलाव करके पैसे ट्रांसफर कर लिए। वही साइबर सेल ने मामले की जांच में एक एक तार को जोड़ते हुए ठगी के पूरे नेटवर्क को तोड़ते हुए पूरे मामले का राजफाश कर दिया। वही साइबर सेल की टीम ने अब तक 6 अभियुक्तियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 90,00,000 रुपए की बरामदगी की है। अब तक की जांच में कुछ और नाम भी प्रकाश में आए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग जनपदों में दबिश दे रही है। तो पैसा सब ज्यादातर उसी का दिया है। और भी कहीं उसने कुछ किया कि ऐसे ही है? कैसे कांटेक्ट किसे किया आपके, कैसे उसमें फंस गया आपको? तुम उसको कैसे याद करता था? मैं जॉब कर रहा था कहाँ पे, किसी कंप्यूटर कंपनी में, इसके साथ नाम बता। देखिए अभी जो 6 अभियुक्त पकड़े गए, जैसा मैंने बताया, जो अंतिम रूप से बेनिफिशियरीज रहे हैं, जिन्होंने ये खाते खुलवाए, खातों में पैसा डलवाया और खातों से पैसा विदड्रॉ करके यूज़ किया उसको, उन लोगों को हमने पकड़ा है। इनसे कई हमें अहम ये मिले हैं, सूत्र मिले हैं, उनके संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना के इस स्टेज पे हम और ज़्यादा जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना विवेचना के हित में नहीं है। समय के साथ हम जैसे ही प्रगति करेंगे आपके सम्मुख आके फिर बताएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।